अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, गाड़ी में अभी मैंने बस बैठा था तो कुछ सामान वगैरह रखा, गाड़ी गर्म हुई हुई है तो थोड़ा दरवाजे खोल दिए ताकि ठंडी हो जाए। और अब्दुल्ला भी रेडी हो गए। क्यों अब्दुल्ला रेडी हैं? चले फिर चलते हैं। काम क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ क्या काम है। अभी पहले गाड़ी में बैठते हैं उसके बाद। रेंट के लिए एक फ्लैट चाहिए, वो देख रहे हैं। इस बिल्डिंग में चेक करते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए फ्लैट यहाँ पर। हम यहाँ आए थे इस बिल्डिंग में, बिल्डिंग पे आ रही है, खूबसूरत है, लेकिन इनके पास भी नहीं है फ्लैट। पहले उस सामने वाली बिल्डिंग में गए थे और इस पेड़ के पीछे वहाँ हमारा घर है। तो इसका तो यहाँ नहीं है, बंद नजर आ रहा है इधर का। कोई भी नहीं, चार कमरे का, पांच कमरे का। यार ये पहले इसके अंदर मैंने, मुझे एक दोस्त ने बताया था कि इस वाले में है, लेकिन हारिस नहीं है उसके नीचे। 35,000 बताया था उसने मुझे। हैं, खलास हो गया? और हाँ, ये अभी वो सब टूट रहा है ना, तो मेरा तो अस्सलाम वालेकुम। चार कमरे का कुछ कहीं नहीं। अच्छा, ये इसमें इधर इधर किसी और बिल्डिंग कहीं नहीं मिलेगा? अच्छा हाँ, कितने? पांच कमरे का है। पांच कमरे का, दोस्त है मेरे साथ बात कर रहा। ठीक है, कहाँ है, कितने है? पांच कमरे का है। ये एम्बेसी पाकिस्तानी है ना? पाकिस्तानी अम्बे देखते यहाँ पर अवेलेबल है कोई फ्लैट या नहीं। बिल्डिंग तो बहुत प्यारी है, खूबसूरत है। चेक करते हैं हारिस वगैरह अगर मिल जाए। अब्दुल्ला देखो, कोई हारिस है वहाँ पर? ये हमारे घर की बैक साइड वाली गली है, इसके अंदर कोई नहीं है। बिल्डिंग तो प्यारी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। चेक करते हैं कोई मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, हारिस है या कोई? अच्छा, मुझे रेंट के लिए एक फ्लैट चाहिए था। कोई नहीं, खाली सब जगह ऐसे ही है, फुल हुआ, कहीं भी नहीं होगा। हाँ, मैं भी किसी के लिए ढूंढ रहा हूँ। मैं तो पीछे वाली गली में रहता हूँ, तो उनके लिए चाहिए था, तो मैंने कहा चलो मैं ढूंढ लेता हूँ, फैमिली वाले लोग हैं तो इसलिए। जी कराची से चलें, थैंक यू। अब इस बिल्डिंग में आए, बिल्डिंग तो प्यारी लग रही है, देखते हैं क्योंकि कोई फ्लैट अवेलेबल है नहीं है। लोकेशन बहुत प्यारी है, सामने ये पार्क है और वो नाथ स्वीट कोने पे नाथ स्वीट है, और गाड़ी मैंने पार्क कर दी है यहाँ पर अपनी। बाहर से लोकेशन तो बहुत प्यारी है और ऐसा लगता है कि शायद अवेलेबल हो क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ी है। देखते हैं इसमें मिल जाए। ये इलाका भी हमारे घर के बिल्कुल करीब है, बिल्डिंग बिल्कुल न्यू है जस्ट अभी। गाड़ियां भी एक दो खड़ी हैं, उम्मीद है इसमें मिलना चाहिए इंशाल्लाह ताला। चेक करते हैं कि कोई हारिस वगैरह है इस बिल्डिंग में, लग रहा है हमें कि कुछ मिल जाएगा। चेक करके देखते हैं। देखना बेटा ये गाड़ी को ना लग जाए, हारिस रहेगा इधर ही। यहाँ कोई बंदा मिल जाएगा हारिस वगैरह बात करने के लिए? अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कहते हैं ठीक है? अभी ठीक है खान साहब, फ्लैट चाहिए था कुछ? नहीं, खत्म हो गया कोई?
मुकम्मल खत्म। कितना रेंट चल रहा है इधर? 30,000 चल रहा है। और कोई मिल जाए? चाय का टाइम हो गया, चाय पियेंगे। चाय हमने इस दुकान से ली है और मेरा शायद हाथ हिल रहा होगा, लेकिन एक हाथ से चाय और एक हाथ से जो है वो रेंट पे क्या प्राइजेस चल रहे हैं वो मैं आपको बाद में ब्रीफ करता हूँ। पहले देख लें क्या क्या मिल रहा है और हमें किस कीमत पे मिल रहा है। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग नहीं है, साफ सुथरी है बिल्कुल जी। जनाब फ्लैट हमने मिल गया जो मैंने आपको दिखाया था, और जिनके लिए फ़्लैट चाहिए था उनको बता दिया भी है, और आप लोगों ने भी देखा होगा इसमें हमारी जो है वो हम दूसरी जगहों पे गए। अभी इस फ्लैट का रेंट जो है वो 30,000 फाइनल हुआ है, और क्योंकि अजीज़िया में फ़्लैट इतनी जल्दी इतनी आसानी से मिल रहे नहीं है, आप सबको मालूम है। और इलाका मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, इलाका बहुत खूबसूरत है। ये जो है वो जे डॉट जन लूप इनके करीब में है। और चलें फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।